एक हमारे वो जो बूथ एजेंट है उसने अपनी आपत्ति दी थी 13 अधिकारी को कि था कि बगैर आईडी प्रूफ के आप ना डालें, तो एक तो उन्होंने लेने से मना कर दिया और जब बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारपीट चालू कर दी, गाड़ियाँ तोड़ दी और साइरन की व्यवस्था तो ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के ये सब कराया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी संभावित पराजय सामने नजर आ रही है। हमने भी कार्यकर्ताओं को समझाइश दी है कि शांति रखें, चुनाव को डाइवर्ट करने की एक असफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं से हमने कहा कि कोई भी अपना पोलिंग स्टेशन न छोड़े और सजग रहे, मतदान कराएं, लेकिन देखना ये बता है कि ये बगड़ा जी की अगर चल रहा है तो थाने में शिकायत इनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला है? अभी अभी कोई यहाँ नहीं है थाने में, अभी थाने में कोई नहीं है। अब पहले चुनाव करेंगे उसके बाद फिर कंप्लेंट की बात। कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं सर, मारपीट हुई? हाँ, मारपीट की, पटक पटक के मारा है, लेकिन लेकिन अभी 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 सबसे बड़ा प्रयास ये है कि चुनाव शांति से पूरा हो जाए। किन के साथ मारपीट हुई है, कोई आपको भाई के बाद भी बता रहा है कि आपको वहीं पर भी हमला हुआ है? हाँ, मेरा चचेरे भाई वहाँ पर है। चुनाव शांति से पूरा हो जाए। किन के साथ मारपीट हुई है, कोई आपके भाई के बाद भी बता दें कि आपके भाइयों पर भी हमला हुआ है? हाँ, मेरा चचेरे भाई वहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गाड़ियाँ तोड़ दी, पट्टी पुट्टी करा रहे हैं, क्या दोनों ही तरफ से हमें शिकायत प्राप्त हुई है, शिकायत की जांच करके उसमें जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसमें कार्रवाई की जाएगी और जो लोग भी सम्मिलित होंगे उनके सम्मिलित प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। अभी कैसा है, क्या कह रहा है मतदान किस तरह का साइकिल? अभी पूरे क्षेत्र में छोटी छोटी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, तुरंत हम लोग पहुँच के राजगढ़ कर रहे हैं और अभी पूरे क्षेत्र में मतदान शांति।